कितनी दोगली निकली करीना कपूर। ट्रोलर से बचने के लिए एक तरफ कुछ और कहती हैं और अपने प्रॉफिट्स के लिए दूसरी तरफ कुछ और। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम पटेल एंड आज हम बात करेंगे करीना कपूर के दोगलेपन के बारे में। करीना कपूर इन दिनों मार्वल के एक प्रोजेक्ट के लिए डबिंग में बिजी है, साथ ही साथ उनके पति देव सैफ अली खान भी मार्वल के ही प्रोजेक्ट में डबिंग कर रहे हैं। मार्वल की इसी मूवी के एक इवेंट में करीना कपूर रिपोर्टर से बातचीत करते स्पॉट हुई। बातचीत के दौरान करीना कपूर ने यह कह दिया कि कोरोना काल के बाद अब लोग थिएटर्स आ रहे हैं और फिल्म देखकर काफी खुश है। अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो लोग इसे जरूर पसंद करते हैं, लेकिन एक मिनट, क्या आपको करीना के तेवर थोड़े बदले बदले नजर नहीं आ रहे? ये वही करीना है जिन्होंने ऑडियंस से कहा था कि अगर आपको हमारी फिल्में नहीं देखनी तो थिएटर से मत आओ। दरअसल फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए जब बॉयकॉट ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो करीना ने ताव में आकर यह कह दिया था कि अगर हमारी फिल्मों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो थिएटर से मत आइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर क्या था, ऑडियंस ने करीना की बात को सीरियस ले लिया और आमिर खान स्टारिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मेकर्स ने स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को बेचे थे, फिर वहां थोड़ी बहुत चल गई थी फिल्म, लेकिन करीना के उस स्टेटमेंट की वजह से वह काफी ट्रोल हो गई थी। उन पर कई तरह के ट्वीट्स हुए, मीम्स बने और लोग कहने लगे कि अगर हम थिएटर से नहीं आएंगे तो आपकी जेबें भरी कैसे रहेगी। बता दें कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड आमिर खान की पिछली कंट्रोवर्सीज की वजह से शुरू हुआ था, जहां उनकी पत्नी ने कहा था कि भारत में हम सेफ फील नहीं करते हैं और आमिर खान ने इसमें हामी भी भरी थी, इसलिए लोग आमिर खान की फिल्में अवॉइड करना चाहते थे। और इस सबके बीच करीना के उस स्टेटमेंट से करीना खुद भी बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन लगता है कि करीना ने उनकी गलतियों से सबक सीख लिया है और अब वह चाहती है कि लोग उनकी फिल्में देखें और थिएटर तक आए। करीना कपूर ने उस इवेंट के दौरान कहा कि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए, दर्शक अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, एक अच्छी कहानी के साथ ऑडियंस केवल एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करती है एंड आई एम हैप्पी कि लोग थिएटर्स तक आ रहे हैं और फिल्में देखकर खुश है। करीना कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही वह प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू करने वाली है हंसल मेहता डायरेक्टेड फिल्म के साथ, और फिल्म द क्रू और वीरे दी वेडिंग के पार्ट 2 में भी करीना दिखेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड रिलेटेड नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।